आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या कभी लिंक कराया था और नंबर आपका खो गया है और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि हमने कौन सा नंबर इसमें लिंक कराया हुआ था तो आप इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि आप कैसे आसानी से सर्च कर सकते हैं कि मेरा कौन सा नंबर इसमें पहले लिंक था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारे आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे हम फिल करेंगे अपना आधार नंबर और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, अगर आपको याद है कि मैंने इन फ्यूचर आपने कभी लिंक कराया हुआ है तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं, यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं अपना आधार नंबर। यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे चली जाएगी। अगर कोई नंबर आपके मोबाइल से लिंक नहीं है तो आपके स्क्रीन पे इस तरह का एक मैसेज शो करेगा कि मोबाइल नंबर जो इंटर है वो मैच नहीं कर रहा है आपके रिकॉर्ड से। तो अगर आपको पता करना है कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है आपके आधार कार्ड से तो उसके लिए भी आप वापस आने के बाद ये सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वेरीफाई एंड आधार, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। इसके बाद ये कैप्चा हम फिल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आपका पेज आ जाएगा जिसमें आपका आधार नंबर दिया है और आपकी एज भी दी हुई है, आपका जेंडर और आपका स्टेट, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर भी यहां पे आपको शो कर देगा। आपके लास्ट के 3 डिजिट आपको शो ये करेगा कि आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है और कौन सी ईमेल आईडी भी लिंक है, ये सभी चीजें इस वीडियो में आपने जाना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।